बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? दुरूद शरीफ़ पढ़ लें और दुआ पढ़ लें। आज का काम हम शुरू करते हैं। आपने इस्लामी तारीख़ लगा लेनी है, सफ़ा नंबर लिख लेना है और ईसवी तारीख लिख लेनी है। आज का हमारा काम है, कल हमने लिखा था सहरफी अल्फाज, आज हम लिख रहे हैं चार हरफी अल्फाज। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो के चार हरूफ से मिलकर बनते हों, चार हरफी अल्फाज, और इनकी भी तादाद 10 होगी। 10 अल्फाज हम लिखेंगे और इनको लिखना कितनी बार है? 5 मरतबा लिखना है। ठीक है, आप पहले उनवान लिखेंगे और उसके बाद उसको डबल अंडरलाइन कर लेंगे इस तरह से। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ, पहला लफ्ज़ है ठेला। ठे एक लफ्ज़ हो गया, फिर ये की छोटी शक्ल, उसके बाद लाम की छोटी शक्ल और फिर अलिफ, ये है ठेला, चार हरूफ से मिलकर बना। अगला लफ्ज़ मैं लिख रही हूँ पांच, पे की छोटी शक्ल और अलिफ, पे अलिफ, नून को इस तरह टेढ़ा लिखेंगे और उसके बाद चे बनाएंगे, ये भी चार हरूफ से मिलकर बन गया पांच। उसके बाद अगला लफ्ज़ मैं लिख रही हूँ, ये टे की छोटी शक्ल है, यहाँ आगे वाव बनाएंगे, फिर ये पे की छोटी शक्ल इस शक्ल में लिखेंगे और उसके आगे छोटी ये बना देंगे, ये बन गया टोपी। जी बच्चों, अगला लफ्ज़ है काफ़ की छोटी शक्ल, वाव, ये मीम की छोटी शक्ल और ये छोटी ये, कौमी, चार हरफी लफ्ज़ है। उसके बाद अगला लफ्ज़ मैं लिख रही हूँ चे की छोटी शक्ल और साथ रे को मिलाया, ये की छोटी शक्ल और अलिफ को, चिड़िया। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है बे की छोटी शक्ल, ये लाम की छोटी शक्ल, नून की छोटी शक्ल और फिर दाल, बुलंद। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है, ये है काफ़ की छोटी शक्ल, उसके बाद ते की छोटी शक्ल, यहाँ आगे अलिफ बनाया और उसके साथ बे को पूरा लिख दिया, ये है किताब, चार हरफी लफ्ज़ है। उसके बाद अगला लफ्ज़ मैं लिख रही हूँ बे और अलिफ, रे और छोटी ये, बारी, ये भी चार हरफी लफ्ज़ है। अच्छा जी, उसके बाद अगला लफ्ज़ मैं लिख रही हूँ चे, वाओ, दाल, हे, 14। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है नून, मीम, अलिफ और ज़े, नमाज। ठीक है, ये चार हरफी 10 अल्फाज हमने लिखे हैं। आपने इस तरह के 10 अल्फाज ख़ुद से तलाश करें, सोचें, ढूंढें और फिर आपने उन अल्फाज को 5 मरतबा लिख लेना है। ठीक है, ये है आज का आपका काम।